प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की 5 सूत्रीय मांगों में 2 मांगों को मान लेने की खुशी में क्षेत्रीय कार्यशाला पर जलेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान शासन द्वारा 7वां वेतनमान लागू करने पर केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री जयप्रकाश दुबे, कैलाश प्रसाद, राकेश कुमार, सह प्रताप सिंह, राम नरेश सिंह, मनन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अपर महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद कृष्ण चंद श्रीवास्तव और शाखा मंत्री क्षेत्रीय कार्यशाला अजय कुमार ने कहा, जयप्रकाश दुबे जिंदाबाद। हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल के नोटिस को संज्ञान में लेते हुए इस सूबे के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसे संज्ञान में लिया और उन्होंने हस्तक्षेप करके प्रमुख सचिव से हमारी वार्ता कराई और हमारा वार्ता हुआ और वार्ता का सकारात्मक परिणाम आया। आज हम सभी लोग 7वां वेतनमान हमें देने की घोषणा मंत्री परिषद ने कल कर दिया है, हमें 7वां वेतनमान मिलने जा रहा है। यह रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का इतिहास है कि हमने इतना बड़ा समझौता बिना किसी निगम के नुकसान के, बिना कर्मचारियों के उत्पीड़न के, हमने इतना बड़ा समझौता करा लिया और इस सरकार को विवश होकर के हमारी मांगों को देना पड़ा। हम इस सरकार के इस कार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी 17 तारीख को होने वाली बोर्ड की बैठक में हमारे संविदा कर्मचारियों के मसलों को भी तय करा लिया जाएगा। हमारे संविदा कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन फिक्स होना है, जो उनके पहले से वेतन मिल रहे हैं, उसमें जो शर्तों को शिथिल होना है, यह सारी मांगें 17 तारीख के बोर्ड की बैठक में अवश्य हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है अगर हम फिर हम आगे चल करके ऐसी कोई और रणनीति बनाएंगे कि हमारी जो शेष समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो सके। आज परिवहन निगम का हर कर्मचारी, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का जिंदाबाद कर रहा है। हम अपने प्रांतीय नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ अपने कर्मचारी साथियों को बधाई देते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई, आपका प्रयास, हमारे साथियों ने जो मेहनत किया है लगातार 2 साल तक, हमारे साथी गेट मीटिंग से लेकर के लखनऊ तक हमारे एक आह्वान पर हमारा साथ दिए हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं और हमारे साथियों ने रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का मान बढ़ाया है और उसका परिणाम है कि आज हर कर्मचारी के वेतन में 15% से लेकर 20% की वृद्धि होने जा रही है और हम आगे भी जो इसमें शेष रह गया है कि 2 साल के एरियर की बात, वह भी 6वें वेतनमान से भिन्न है, इसमें यह आदेश आ चुका है। अब उसके लिए फिर से मंत्रिमंडल में नहीं जाना है, हम उसके लिए कार्य योजना बना करके उसे उस एरियर को भी दिलाने का कार्य करेंगे और कर्मचारियों को हम पुनः बधाई देते हैं कि हमारे कर्मचारियों ने जो हमारा साथ दिया, हमारे नेतृत्व का जो समर्थन किया, हम कर्मचारियों को बधाई देते हैं कि यह सारा जो भी श्रेय है यह हमारे कर्मचारियों के साथियों को जाता है कि जो हमारे संगठन पर निष्ठा व्यक्त किया। हम पुनः अपने कर्मचारियों को के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद। हम लोग कर्मचारियों में मिठाई खिला के खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम अपने प्रांतीय नेतृत्व को बधाई देते हैं कि वो बिना निगम को क्षति पहुंचाए हम लोगों की मांगों को दबाव पूर्वक मनवा लिया। सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं कि हम लोगों की मांगों को 7वां वेतन पे कमीशन मृतक आशित को पास कर दिया है मंत्रिमंडल से। 17 तारीख की परिवहन निगम बोर्ड की बैठक है, उसमें भी संविदा साथियों को न्यूनतम वेतन 17,000 से लेकर के फिक्स वेतन 14,000 2001 से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का 4% DA ACP पर लगी रोक हट जाएगी, ये सब मांगे हमारी 17 तारीख को पूरी हो जाएगी। ये हमारे केंद्रीय प्रबंध समिति की देन है, इसलिए हम उनको बार बार बधाई देते हैं। अपर महामंत्री जी बैठक में थे, उनकी मेहनत रंग लाई। हमारे क्षेत्रीय मंत्री जयप्रकाश दुबे जी
उनका मेहनत रंग लाया है कर्मचारियों के मांगों के प्रति। क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश राय जी का मेहनत लाया है, हमारे कैलाश भैया, यहाँ सभी उपस्थित कर्मचारी साथियों का सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा हम श्रेय कर्मचारियों को देना चाहते हैं जो हमारी एक आवाज़ पर धरना प्रदर्शन, चाहे लखनऊ हुआ चाहे गोरखपुर धरना प्रदर्शन करना हुआ, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर भागीदारी निभाए हैं। इसलिए हम उनको कोट कोट बधाई देते हैं कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के ऊपर विश्वास करके अपनी मांगों के प्रति सचेत रहते हैं। इसलिए हम उनको एक बार और बधाई देते हैं, कहते हैं, उनसे अनुरोध भी करते हैं कि रोडवेज परिषद ही ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों को निरंतर समस्याओं का भरपूर तरीके से समर्थन करता है, निस्तारण कराता है। इसलिए हम अपने रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद पर विश्वास रखते हैं और कर्मचारी भी हमारे रखते हैं। हम अपने भविष्य में आगे भी जो समस्या होगी उसको हल कराने का प्रयास कराया जाएगा, किया जा रहा है। जय हिंद, जय परिषद।